बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस डर गई है, घबराई हुई है, इसीलिए तरह तरह की अफवाह फैला रही है। वहीं उन्होंने आगे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी का दौरा निरस्त करने की झूठी अफवाह फैलाई है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और सभाओं में जनता नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी क्या करे, जहां भी हम थोड़ी जनता भेजेंगे। दंतेवाड़ा में जनता नहीं आई तो उनके गृहमंत्री अमित शाह भी नहीं आए और यह आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में सरकार की कुनीति के खिलाफ, छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भूख, भय और भ्रष्टाचार इस सरकार की कहानी बन चुकी है। दंतेवाड़ा से यात्रा की दुर्गति आगे बढ़ रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी रायगढ़ के अंदर एक विशाल सभा को संबोधित की। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान जगत प्रधान नड्डा जी जनता पार्टी की यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, सभा में जनता नहीं आ रही, प्रतिकार कर रही, तो उसके लिए कांग्रेस या जनसंपर्क विभाग के लोग क्या करेंगे? वहाँ हम भीड़ थोड़ी भेजेंगे। अब दंतेवाड़ा में सभा में भीड़ नहीं आई तो उनके केंद्रीय गृह मंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री जी की सभा के बारे में अखबारों में छप गया कि वो भोपाल से ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ नहीं हुई थी। इन लोगों ने मिन्नतें की कि आप आ जाइए, कैसे भी उनकी इज्जत घटेगी। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, झूठ बोल के गए। अब आज नड्डा जी आए हैं, नड्डा जी की सभा में भी बमुश्किल से 4-5 ज्यादा आदमी इकट्ठा हुए हैं।